अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ भिलवाड़ा का चतुर्थ जिला अधिवेशन वरिष्ठ नागरिक भवन में दलपत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका संचालन जुम्मा काठात ने किया। सम्मेलन में प्रदेश विद्युत प्रभारी सीपी शर्मा, राजस्थान विद्युत श्रमिक महामंत्री विजय सिंह बघेला, सह संगठन मंत्री धर्मू पारवानी, अजमेर डिस्कॉम श्रमिक संघ महामंत्री नरेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाष चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने संबोधित किया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि निजीकरण और ठेके प्रथा को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, जिससे आम जनता पर भार वहन करना पड़ रहा है। इस संबंध में विद्युत कर्मचारी 4 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन जयपुर में धरना दिया जाए। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी नरेंद्र सिंह राठौर ने सर्वसम्मति से भिलवाड़ा जिले की कार्य समिति चुनी। अध्यक्ष हरीश सुवाल का कार्यकारी अध्यक्ष चुम्मा काठात, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तलपन सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष अमनलाल रेगर, विक्रम सिंह, हुकुम सिंह, जगदीश वैष्णव, महामंत्री नरेश जोशी, संयुक्त महामंत्री शंभुलाल तेली, कन्हैयालाल माली, राजकुमार मीणा, संगठन मंत्री बनवारी लाल, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, सह कोषाध्यक्ष चंदन सिंह गौड़, प्रचार मंत्री सूर्य प्रकाश लखारा, लेखा शाखा प्रभारी मुबारक हुसैन, कानूनी सलाहकार श्याम पचौरी, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीलाल बिश्नोई, भगवतीनाथ योगी, ओम प्रकाश वर्मा, नरेश कोठारी, फिरोज खान, पवन चौहान, शमशेर सिंह बनाए गए। आज भीलवाड़ा वर्त का चतुर्थ जिला अधिवेशन आज वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान में संपन्न हो रहा है। भीलवाड़ा जिले के सभी विद्युत कर्मचारी इस सम्मेलन में उपस्थित हैं। आज इस सम्मेलन के अंदर राजस्थान सरकार और निगम प्रशासन के द्वारा जो निजीकरण का जो दौर चल रहा है और ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है और FRT जो चल रही है, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। उस प्रस्ताव को राजस्थान सरकार और निगम प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके साथ ही जो हमारे 28 सूत्रीय मांग मंत्र जो हमारे महासंघ ने जो राजस्थान सरकार को और निगम प्रशासन को सौंप रखा है, उस पर सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम इस जिला अधिवेशन के माध्यम से, इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हम सरकार से और निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा 28 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो हमारी महासंघ से वार्ता करे और हमारी जो वाजिब जो मांगे हैं, श्रमिक समस्याओं की जो वाजिब मांगे हैं, उस समस्याओं का निदान करें। और आज हम निजीकरण के विरोध में और ठेकेदारी के विरोध में आज हम एक प्रस्ताव पास करके और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये इस तरह का निजीकरण ये इस देश और इस प्रदेश के लिए और इस डिस्कॉम के लिए ये ठीक नहीं है। ये केवल लोगों को लाभ देने का है, कुछ लोगों को लाभ देने का है, न कि ये सरकार के और कर्मचारी हित का मामला है। निजीकरण बंद करना चाहिए और ठेकेदारी प्रथा बंद करनी चाहिए और यही हम आज इस प्रस्ताव को पास करने वाले हैं। जिलाध्यक्ष अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ भीलवाड़ा।